हाय एवरीवन बड़ों को राम राम जी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पर तो आज हम बात करने वाले एक टै ने हमारे साथ इतना बड़ा मज़ाक क्यों किया सबसे पहले तो उन्होंने 16 दिसंबर से लेकर 21 जनवरी तक एक लंबा चौड़ा फेस्टिवल की तरह हमारे साथ एग्ज़ाम मनाया जिस जिससे बहुत परेशानियाँ हुई शुरुआत में तो 16 17 तारीख को तो 16 जो 16 दिसंबर था उसको तो पेपर फर्स्ट हुआ सेकंड पेपर में उनका सर्वर हैक हो गया पता नहीं हैक डाउन हो सर्वर डाउन हो गया या जो भी इंटरनल प्रॉब्लम थी उसका अभी तक कुछ पता नहीं है लेकिन पेपर सेकंड तो कैंसिल ही हो गया फिर सेवेंटीन को पेपर कैंसिल हो गया दिसंबर सेवनटीन को तो अब जब उन लोगों ने हमें रिस्पॉन्स की दी हम लोगों ने रिस्पॉन्स की निकाली ये मेरी रिस्पॉन्स की है इसमें सबसे ऊपर क्वेश्चन हैं और नीचे आंसर्स हैं मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ मैंने कुछ क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़ा और उनका इंग्लिश में आंसर दिया कुछ क्वेश्चंस को इंग्लिश में पढ़ा और हिंदी में आंसर दिया तो अब जब हमने रिस्पॉन्स की देखी तो हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस ही गलत हैं क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर में वो आंसर ही नहीं है तो फिर जब रिस्पॉन्स की आई तब उम्मीदें कम होने लगी क्योंकि जिन बच्चों के हंड्रेड के आसपास के मार्क्स बन रहे थे सी टेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड में उन लोगों के कम बने और हमने एक एक मैंने तीन घंटे बैठ के एक एक क्वेश्चन चेक किया क्योंकि मैं इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं हर सब आ, हर क्वेश्चन को या सी मैथ्स हिंदी जैसे पेपर फर्स्ट है पी के लिए ई और अदर सब्जेक्ट्स हैं और पेपर सेकंड सोशल साइंस के लिए जोग्राफ़ी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री सी और इंग्लिश हिंदी क्योंकि मैं एक इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरी ये चीज़ें ज़्यादा परफेक्ट नहीं हैं या मेरे को इस चीज़ में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रही है तो हमारे साथ क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चंस गलत पूछे गए और पूछने के बाद उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत पूछे गए जो ऑप्शंस थे फोर ऑप्शंस आते हैं उन ऑप्शंस में भी गलतियाँ थी मैं कई क्वेश्चन आपको अभी के अभी निकाल के दिखा सकती हूँ लेकिन मेरा मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि कि हम क्या कर सकते हैं हम ये देख रहे हैं कि जिस बोर्ड ने हमारे साथ हमारा एग्ज़ाम फार्म भरवाया है और कंडक्ट करवाया है एग्ज़ाम उन लोगों ने हमारे साथ कितना बड़ा मजाक किया है और हम जैसे स्टूडेंट्स के साथ के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया गया है फ्यूचर के साथ खिलवाड़ का मतलब है अगर हम ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास छः महीने आगे जाने का के अलावा कोई और चारा नहीं होगा जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था मैं मैं, मैं इंडिविजुअल अपनी थॉट्स बताती हूँ कि मेरे को ये स्ट्रेस हो रहा था कि पास भी होंगे या नहीं होंगे या वो लोग इस चीज़ को लेके जैसे उसके बाद आई एक कॉमन पे मतलब पेपर आया सीबीएसई की तरफ से दो पे पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए उन्होंने डिस्प्ले पेपर लगाए मेरे मेरा एग्ज़ाम दिसंबर में हुआ था एग्जैक्ट डेट ट्वेंटी दिसंबर है लेकिन उसमें चेक करने के बाद जब उन्होंने इसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली बातें पता चली जो आप पढ़ने के बाद ही समझ पाएंगे क्योंकि उसके लिए मुझे एक एक क्वेश्चन पढ़ना पड़ा मैंने तीन तीन घंटे डिस्प्ले पेपर को पढ़ा और देखा कि क्या क्या मिस्टेक्स है फिर आई आंसर की आंसर की आने के बाद तो सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ गए कि हम क्या करें क्या करें जिन बच्चों के 125 प्लस बन रहे थे और अब मैं आपको एक बात और बता देती हूँ आंसर की देने का तरीका इन्होंने ये निकाला कि आप अपने रोल नंबर से चेक करेंगे और जिससे आप सिर्फ़ आप अपनी आंसर की देख पाएंगे और उसमें भी मेन लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू का कंफ्यूजन किया मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा मज़ाक किया क्यों किया या क्या सोच के किया क्योंकि हमें तीन तीन घंटे लग रहे थे अब दो दो ढाई ढाई घंटे पहले तो अपने एग्जाम्स में कीज़ में मिलाने में मैंने सबसे पहले अपना जो रिस्पॉन्स पेपर है उसको फोटोकॉपी करवाया पेपर आप देख सकते हो पेपर वन ये पेपर टू और ये पेपर वन है और उसके बाद मैंने अपनी जो उन लोगों ने डिस्प्ले एग्जाम पेपर दिया था पेपर दिसंबर ट्वेंटी वन के लिए पेपर वन और पेपर टू इसकी फोटोकॉपी करवाई ठीक है तो मैंने इन दोनों को फोटी फोटोकॉपी करवाई और दोनों को फिर मैंने डिस्प्ले वाले एग्ज़ाम पेपर की आंसर टिक किए मतलब आप सोच सकते हो मुझे काफ़ी ढाई तीन घंटे लगे एक एग्ज़ाम में चेक करते हुए कि इसके आंसर की क्या है मतलब इसके आंसर क्या हैं इसके आंसर क्या हैं और क्या मैंने सही लगाया और फिर मैंने जब मैच किया तो मैंने पाया कि हम ज़्यादातर मैं ख़ुद मैंने पाया कि हमारे नंबर सिर्फ पासिंग मार्क्स बन रहे हैं मतलब जो हमारा अच्छा स्कोर बनने वाला था वो स्कोर भी नहीं बन रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट के तौर पर मेरे माइंड पे कितना स्ट्रेस पड़ा हुआ था और मेरे अभी भी जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आ जाता क्योंकि अगर हम इसमें से किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं तो ये वन थाउजेंड पर क्वेश्चन के हिसाब से डिमांड करते हैं अगर आपका क्वेश्चन ठीक है तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे और अभी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक पुख्ता प्रूफ नहीं है एक एनसीईआरटी की फ़ोटो नहीं है कि ये क्वेश्चन यहाँ ऐसे दिया गया है तो माइंड पर बहुत स्ट्रेस हो रखा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फुल ये हो रहा है एक एक दिन गुज़र रहा है बार बार हर इंस्टीट्यूट वाले जिनका भी यूट्यूब चैनल है या जहाँ से भी हमें न्यूज़ मिल रही है मुझे न्यूज़ मिलती जा रही है तो मुझे स्ट्रेस होने लग जाता है कि पता नहीं फ़ाइनल रिज़ल्ट में क्या होगा अब जब तक फाइनल रिज़ल्ट नहीं आएगा तब तक ये समझ में नहीं आएगा कि किया क्या जाए क्योंकि अगर उन लोगों ने वो जो इसमें मैं सबसे ज़्यादा श्रेय एक इंस्टीट्यूट अध्ययन मंत्रा को देना चाहती हूँ जहाँ से मैंने कोचिंग ली सी के लिए उन लोगों ने इतना बड़ा तो, मतलब कदम उठाया रोहित रेडवान सर ने उन्होंने पर्सनली जाके के सी बी एस ई ऑफिस में और जो आंसर गलत थे और स्टूडेंट्स के भविष्य के बारे में सोचा क्योंकि कुछ लोगों का ये फाइ लास्ट चांस हो सकता है सी सी डेट के लिए या सी डेट मतलब क्वालिफाई करने के बाद जॉब के लिए लास्ट एज का लास्ट चांस हो सकता है तो उन लोगों उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को क्वेश्चन uh, पेपर्स को रीड किया और अपने फैकल्टी से या जो भी उन्होंने किया चेक करा के चैलेंज किया सी बोर्ड को उन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स किए इस चीज़ के लिए उनके लिए उस चीज़ के लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पर एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे काफ़ी स्ट्रेस हो रहा है इस बात का कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक क्या रहेगा क्या रहेगा क्योंकि हमारे सामने ही पेपर रखे हुए हैं और हमें पता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है और इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत है या ये क्वेश्चन गलत तरीके से पूछा गया है या हिंदी में ऐसे था इंग्लिश में ऐसे है मैथ्स के कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिजिट चेंज हो गई है और मतलब कुछ क्वेश्चन के आंसर तो में ऑप्शंस तो है ही नहीं जो आंसर आने वाला है तो सच्ची आज अभी मैं इस चीज़ पर बहुत सारी बातें कर सकती हूँ पर मुझे बहुत बहुत स्ट्रेस हो रहा है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जब सी बी एस ई एक सी डेट के एग्ज़ाम को कराने के लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड बनाकर और फिर इतनी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से पेपर को की को देने के बाद बच्चों के साथ बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है तो हमारे जॉब के लिए या हमारे हमारे जो भी हमें क्वेरी है या किसी भी चीज़ की उसके लिए वो इंस्टीट्यूशन या वो ऑर्गेनाइजेशन या वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा वो तो बहुत नाउ मेरी के साथ आज का टॉपिक मैं ख़त्म करती हूँ अगर आप मैं इसमें किसी भी किसी भी संस्था व्यक्ति या किसी भी को कोई पर्सनली बातें कह रही हूँ लेकिन मेरा इसमें उनको किसी भी तरह का इंसल्ट करने का कोई वो नहीं है कि मैं उनको इंसल्ट कर रही हूँ या मैं बस मैं अपनी बात रख रही हूँ एक स्टूडेंट के तौर पर क्योंकि हम एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं हम कहीं भी जाके खड़े होकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते अकेले और कोरोना टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं और प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा भी नहीं हो सक होता क्योंकि हम एक हफ्ते दो हफ़्ते बैठेंगे तीसरे हफ्ते हमें हमारे घर वाले बुलाने लग जाएंगे कि आप एक लड़की हो आप जाकर इस तरीके से ऐसे ठंड में कोरोना टाइम में स्पेशली कोरोना टाइम में ऐसे गैदरिंग नहीं कर सकते तो आज के लिए बाय बाय बाय